रॉक आउट बाय 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 चलो चाट बाय बाय भाभी बाय बाय ना बाय क्या पी जावल बाय चाट यार खाड़ो खाला खाड़ो खाड़ो टाइम लगी। तो पहले के लोग जो ये बताते थे कि जैसे बीच रास्ते में आप बैठे हो ना तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है तो वो आपके अंदर आ जाती थी, जैसे जो ना मसाण मसाण लग जा। तो जैसे रास्ते में बैठे हो, बीच रास्ते में, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मैं तो अभी बताने के लिए बैठा हूँ, बीच रास्ते में बैठना नहीं चाहिए पहाड़ों में, खास करके जब भी आप जा रहे हो तो यहाँ पर ना कई सारी नेगेटिव एनर्जी होती हैं पहाड़ों में, मतलब ज़्यादा ही होती हैं। तो वो रास्ते से अगर चल रही हैं तो वो आपके अंदर भी आ सकती हैं। तो यही मैं इसको बता रहा था कि बीच रास्ते में नहीं बैठते हैं। बड़े बड़े खाना पीना तुम्हें क्या है पौना लाकड़ा कड़कुदी क्या है पौना दाल चावल जा उधर ले आएगा कोने में खाने के लिए फटाओ पैजन पहन के कहाँ जा रही गोसा गोसों की लाइन लगाई है गर्मी में जो है गोसे का इस्तेमाल करते हैं मच्छर भगाने के लिए। रॉक आउट बाय 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 चलो बाय बाय भाभी जी बाय बाय चट यार खाड़ो खाला खाड़ो खाड़ो टाइम लगी। तो भाभी जी लोग ऊपर चले गए तो हमारा घर नीचे है बहुत। वैसे एक पुराना घर हमारा इधर भी है गांव में, लेकिन वहाँ पे वो बहुत पुराना था, मेरे दादाजी लोग रहते थे, फिर मेरे दादा ने नीचे बना दिया घर, तो फिर हम लोग सब नीचे ही रहते हैं। तो पुराना घर शायद बेच दिया, शायद नहीं पता नहीं कितने पैसा भी बना दिए। अच्छा तो मेरी वाइफ कह रही कि घर बेच दिया पुराना, मेरे को तो पता नहीं है, और करोड़ों की कीमत थी उसकी। तो तीन भाई थे, तीन भाइयों में शायद डिवाइड हो गया, तीन भाइयों में डिवाइड हो गया, हो गया करोड़ों रुपये ना, क्या करोड़ में गया जो को गौर करोड़ में महल बिल्डिंग। वैसे बेचना नहीं चाहिए था अपना घर, कभी भी बेचो मत, उसमें बहुत पुरानी यादें होती हैं। घर तभी बेचो जब तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है, अदरवाइज घर नहीं बेचना चाहिए। गलत है बोलो, मैंने कहा जब पैसों की जरूरत हो तभी बेचो घर देने। अरे मतलब जन तुम्हारा दी घर जन जब बोल ना, अब जैसे मेरे दादा के दो घर थे, एक ऊपर एक नीचे, तो अब मेरे दादा के लड़कों में पैसे की क्या कमी थी, तीनों के पास सरकारी नौकरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने घर बेचा, तो एक गलत बात है। तो पैसा होते हुए भी आप उसको बेच रहे हो, गलत बात है जो उनका काम। अच्छा लेकिन ये तीन भाई था ना, तो वही वजह से ना तब बेचनी पड़ी उनको शायद, तीनों भाई चाहे इनका बंटवारा होना था ना। फिर अभी ये रास्ते में ना, बीच रास्ते में बैठी हुई थी, तो मैंने उसको बोला कि इधर किनारे हो जा, तो पहले ना इस बीच रास्ते में बैठते नहीं थे बीच रास्ते में, तो ये बोलते थे कि रास्ते में ना कई सारी ऊर्जाएं चलती हैं नेगेटिव, और तुम कह रहा बैठे देवी कुछ भी हो सकता है। तो पहले के लोग जो ये बताते थे कि जैसे बीच रास्ते में आप बैठे हो ना तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है तो वो आपके अंदर आ जाती थी, जैसे जो ना मसाण मसाण लग जा। तो जैसे रास्ते में बैठे हो, बीच रास्ते में, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मैं तो अभी बताने के लिए बैठा हूँ, बीच रास्ते में बैठना नहीं चाहिए पहाड़ों में, खास करके जब भी आप जा रहे हो तो यहाँ पे ना कई सारी नेगेटिव एनर्जी होती हैं पहाड़ों में, मतलब ज़्यादा ही होती हैं। तो वो रास्ते से अगर चल रही हैं तो वो आपके अंदर भी आ सकती हैं। तो यही मैं इसको बता रहा था कि बीच रास्ते में नहीं बैठते हैं। तो हमारे पहले के बूढ़े बुजुर्ग भी यही बताते थे कि जैसे कोई बैठा हुआ है तो उसको समझा देते या उसको हटा देते थे कि भाई रास्ते से हट जा। तो रास्ता छोड़ना ज़रूरी है, रास्ता देना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी चीज़ें चलती हैं रास्ते में भी, ऐसा ही नहीं कि इंसान ही चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं।
तो ये पहले के मेरे दादाजी भी बताते थे और काफ़ी गांव के बूढ़े बुज़ुर्ग लोग भी बताते थे कि रास्तों में कभी भी मत बैठो, खास करके पहाड़ों में, चाहे कहीं भी चले जाओ पहाड़ों में। अगर पहाड़ी एरिया है तो, जंगल का एरिया है तो आप रास्ता छोड़ के किनारे बैठ जाओ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कहीं भी बैठो, लेकिन बीच रास्ते में कभी मत बैठो। तो वही मैं इसको बता रहा था, ये बीच रास्ते में बैठ गई थी। तो होती है ना कि खास करके जो फीमेल होती हैं उन पर जो है नेगेटिव एनर्जी जल्दी एंटर करती है, जन भूत मसाण देवी, तो ऐसे रास्तों में हमेशा छोड़ के बैठना चाहिए। कई कई बार तो लड़कों पे भी लग जाती हैं। हम लोग 10 बजे निकले थे घर से और 12:30 हो गए, तो ढाई घंटे मान लो, 2.5 घंटे हो गए, तो काफ़ी दूर है यहाँ से। और मेरे तो कंधे में भी दर्द हो गया, पाँव में भी दर्द हो गया। काफ़ी सालों बाद मैं ना कंधे में ऐसे ला रहा हूँ, पहले कंधे में ही मैं सब कुछ लाता था, पानी के डब्बे भी, जब यहाँ पानी नहीं आता था जब मैं हाई स्कूल इंटर में था, कंधे में मैं 45 लीटर के ड्रम लाता था कंधे पे, और सिलेंडर भी मैं कंधे पे लाता था, लकड़ियाँ हो गई है और जैसे कट्टे वगैरह हो गए बजरी के, सीमेंट के, ये भी मैं कंधे पे लाता था। अब वो हैबिट छूट गई, बहुत साल हो गए और काफ़ी सालों बाद ला रहा हूँ मैं। तो ये लगा लो कि 2007-08 के बाद मैं एक कंधे पे ऐसे लकड़ी ला रहा हूँ, तो अब हैबिट छूट गई। पाँव भी दर्द कर रहे हैं, कंधा भी दर्द कर रहा है। तो पहाड़ में ये सब के, तो पहाड़ों में ये सब के हैबिचुअल होने के लिए ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अगर मैं ये काम रोज़ करूँ या हफ्ते में 1-2 बार करूँ तो फिर मेरे को हैबिट हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं इसको लेके दौड़ूंगा। पहले मैं पानी के ड्रम लेके दौड़ता था, सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर लेके भी दौड़ता था मैं, तो अब वो हैबिट नहीं रही। तो इस हैबिचुअल होने के लिए आपको यहाँ पर रोज़ काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपके, आपका शरीर जो है फिर यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगा, ना वरना कभी कभी करोगे तो हाथ पांव दर्द होते हैं। तो बड़े बड़े खाना पीना तुम्हें क्या है पाँ लाकड़ा कड़कू दी क्या है पाँ दाल चावल नमस्कार जी और ये कुत्ता रोज आता है मेरे घर में। कहाँ जा रहे तू? कहाँ जा रहे बोल जा? ये रोज आता है मेरे घर में, रोटी खा के जाता है। हाँ कहते हैं अब कहाँ जा ना? ए ए कौन आओ कहाँ? रोटी नहीं खाई तूने? कड़ी भात हेलो तन्नु क्या कर रही? फटा हुआ पैजन पहन के कहाँ जा रहे हो? लकड़ियों में ही बनता है बाहर हमारा खाना मोस्टली। चक्की ले जा, उधर ले आएगा कोने में खाने के लिए। फटा हुआ पैजन पहन के कहाँ जा रही? तवीज पे चढ़ा रखे हमने भात, कड़ी बनाई है और भात बनाई है मम्मी ने। और अभी दिन का मौसम देखो, हवा चल रही है तेज, बारिश आ सकती है। तूने क्या किया घर पे आज? घर पे क्या किया? कुछ खेला था, टीवी देखी। टीवी देखी? अच्छा, टीवी देखती रही तब से 2 घंटे में। तू भी आती मेरे साथ? तो क्यों नहीं आई?
जंगल में शेर का है वहाँ कुछ गेंद खा रहा है। ये आ गया खा के, आ जा खा लिया, वहां गया थे खाने के लिए दूर, आ जा आ जा आ जा यहाँ पे, आ जा यहाँ पे, आ जा यहाँ पे, यहाँ पे आ जा आ जा आ आ जा एक जगह से जीरो लो जानवर जा थक लगी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।